धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको प्रोनाउन के कुछ ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रही है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं जो किस पे बेस्ड हैं, प्रोनाउन। ओके, और ये 10 के 10 क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन वन बाय वन मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, लेट यू एंड आई स्पीक द ट्रुथ। ओके गाइस, अब आपको याद रखना है, जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ओके, तो पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ, ठीक है गाइस। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, लेट यू एंड आई स्पीक द ट्रुथ, तो इसका मीन्स ये होता है आपको और मुझे सच बोलने दो। जो एक गाइस लिखा है, क्या लिखा है, लेट यू एंड आई स्पीक द ट्रुथ, इसका मीन्स क्या होता है, आपको और मुझे सच बोलने दो। ओके, अब देखो ये जो एक्चुअली क्वेश्चंस क्या है होंगे, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ प्रोनाउन, तो ये सब प्रोनाउन जो क्वेश्चन है आपको ना कोई मिस्टेक मिलेगी जो किससे बेस्ड होगी, प्रोनाउन के ऊपर। आपको याद रखना है सभी क्वेश्चंस में जो मिस्टेक है वो किसके बेस्ड, किस पर बेस्ड है, प्रोनाउन। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, लेट जब भी ना आपको लेट शब्द दिख जाए तो लेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट का मीन्स तो क्या होता है, दो। लेट का मीन्स क्या होता है गाइस, दो। अब जो इसका रूल होता है वो रूल क्या कहता है देखना गाइस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए गाइस इसमें क्या लिखा है, जब भी क्वेश्चन बनेगा लेट का, जब भी क्वेश्चन आपको लेट का आएगा तो आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लेट के बाद आपको हमेशा क्या रखना है, ऑब्जेक्ट, पहली बात आपको याद रखनी है, देन वर्ब, देन एक और ऑब्जेक्ट हो तो फिर लास्ट में एक और ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट डालना है। ओके, इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं गाइस, देखिए लेट के बाद यू है तो यू तो एक ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता है यू एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है और यू एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी है। ओके, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो लेट के बाद क्या आता है, हमसे ऑब्जेक्ट आता है, जैसे मैंने आपको जस्ट बताया, तो लेट यू एंड आई। अब देखिए गाइस, जो ये आई है ना, ये आई, ये क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव, बट मैंने अभी आपको बताया लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है गाइस। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, मी। तो इसमें जो मिस्टेक है सेंटेंस में आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, आई की जगह पे आपको क्या रखना है गाइस, मी। तो आंसर क्या बनेगा गाइस, लेट यू एंड मी स्पीक द ट्रुथ, ठीक है ना, लेट यू एंड मी। और आपने देखो जैसे मैं आपको कॉमन एक सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे आप कभी बोलते हो ना किसी से लेट मी गो, आप ऐसे ही बोलते हो कि जैसे आप डे टू डे लैंग्वेज में इंग्लिश बोलते हो, तो नॉर्मली आपने ये सेंटेंस सुना होगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेट मी गो, तो मैं लेट के बाद क्या बोल रहा हूँ, लेट मी, तो आपने सुना होगा, लेट आई गो कभी नहीं बोलते। ओके, आपको याद रखना है लेट जब भी आ जाए, ठीक है ना, लेट क्या होती है, पॉजिटिव वर्ब होती है, क्या होती है, पॉजिटिव वर्ब, तो उसके बाद आपको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या बनेगा, लेट यू एंड मी स्पीक द ट्रुथ।
ओके गाइस, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ओके गाइस, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही हैव सक्सीडेड, तो इसका मीन क्या होता है गाइस? पहले मैं आपको मीन बताता हूं, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस क्वेश्चन की हिंदी आना चाहिए। तो हिंदी में क्या बोला है देखो, आई यू एंड ही, ठीक है, मतलब मुझे, तुम्हें और उसे, ठीक है ना। इसका मीन क्या होता है, मैं, आप और वह, मैं, आप और वह हैव सक्सीडेड, सफल हो चुके हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, मैं, आप और वह सफल हो चुके हैं, ठीक है गाइस। अब देखो आपको याद रखना है, जब किसी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आए, अब देखिए यहाँ पे कितने प्रोनाउन है गाइस, आई यू एंड ही, यहाँ पे तीन प्रोनाउन है कि नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब किसी एक वाक्य में एक से ज्यादा प्रोनाउन आएंगे तो हम कोई भी प्रोनाउन कहीं भी नहीं रखते, इसका एक सीक्वेंस होता है। जब एक वाक्य में एक से ज्यादा सब्जेक्ट आएंगे, जो इस चीज को सब्जेक्ट भी बोलते हैं, आई यू एंड ही, और ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, इनको पर्सनल प्रोनाउन भी बोला जाता है। तो आपको गाइस याद रखना है, जब भी एक वाक्य में एक से ज्यादा प्रोनाउन आएंगे तो आपको सीक्वेंस क्या याद रखना है, देखिए जब किसी वाक्य में एक से ज्यादा प्रोनाउन आएंगे तो आपको याद रखना है, जब वाक्य में कोई काम सही हो रहा हो, कोई कार्य सही, और दो कॉन्सेप्ट हैं, कोई कार्य गलत। अब देखिए आपको याद रखना है गाइस, जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आएंगे या सब्जेक्ट आएंगे, कोई कार्य सही होगा तो आपको नंबर रखना है 2, 3, 1, क्या नंबर रखना है 2, 3, 1, कोई कार्य गलत होगा तो क्या रखना है 1, 2, 3, क्या रखना है गाइस 1, 2, 3। अब आप सोच रहे होंगे सर आप ये क्या बता रहे हो, आप इंग्लिश से मैथमेटिक्स में कैसे आ गए? तो मैं यहाँ पे आपको कोई मैथमेटिक्स नहीं समझा रहा। अब देखो 2, 3, 1 का मीन्स क्या होता है, 2 means second person, 3 means third person एंड 1 means first person, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है ना 2, 3, 1 और 1, 2, 3, इसका मीन्स क्या होता है, इंग्लिश में आपको बताया ना तीन तरीके के पर्सन होते हैं, इंग्लिश में तीन तरीके के पर्सन होते हैं, आपको याद रखना है 2, 3, 1 and 1, 2, 3। ओके गाइस, अब देखो जो सेकंड पर्सन होता है वो क्या होता है अपना, पहले मैं 1, 2, 3 से लिखता हूं, जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है अपने, आई और वी, आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एक होता है यू, और थर्ड पर्सन इसके अलावा जो भी हो, जैसे ही, शी, इट, ईटीसी। मतलब आपको याद रखना है गाइस, जब भी आप प्रोनाउन का क्वेश्चन सोल्व करोगे और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है, कोई कार्य सही, उस सेंटेंस में कोई कार्य सही होता है तो नंबर रखते हैं 2, 3, 1, और कोई कार्य गलत होता है तो आपको नंबर क्या रखना है 1, 2, 3। अब नंबर क्या है, पर्सन है, क्या है पर्सन में लिख दिए, फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, तो इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को एनालाइज करते हैं, आई यू एंड ही हैव सक्सीडेड, मतलब मैं, आप और वह सफल हो चुके हैं, तो सफल होना कैसा कार्य है, सही, कोई व्यक्ति सफल हुआ है, सक्सीड हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, तो ये कार्य क्या सही है कि नहीं है, तो आपको क्या रखना है गाइस 2, 3, 1, सबसे पहले सेकंड पर्सन रखना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें सेकंड पर्सन कौन सा है गाइस, यू, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा यू, ठीक है ना। अब थर्ड पर्सन क्या है इसमें, ही, और फर्स्ट पर्सन क्या है अपने, आई, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, सही सेंटेंस क्या बनेगा गाइस, आपको समझ में आ गया होगा, क्या आएगा सबसे पहले, यू, ही एंड आई, इसका आंसर क्या बनेगा गाइस, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो 2, 2, 3, 1, तो यू, ही एंड आई हैव सक्सीडेड, आप, वह और मैं सफल हो चुके हैं। ओके गाइस, अब देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया ना, उसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो देखो अब आप
खुद ही कर सकते हो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। लुक एट यू शी एंड आई, यू शी एंड आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो आपको पता है ना ये सब क्या होता है, फर्स्ट गर्ल प्रोनाउन। क्योंकि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बनते प्रोनाउन के ऊपर, जो प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वही समझा रहा हूँ। तो देखिए गाइस इसमें क्या बोला जा रहा है, यू शी एंड आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, आप वह और मैं एक गलती कर चुके हैं। इसका मीन क्या था गाइस, आप वह और मैं एक गलती कर चुके हैं। अब आपको इसको सेंटेंस को एनालाइज करना और सही बनाना है। तो इसमें हमको कौन सी फीलिंग आ रही है, कमिटेड अ मिस्टेक। तो कमिटेड अ मिस्टेक का मींस कहते हैं गलती करना। तो गलती करना क्या है, कोई कार्य गलत, गलती करना एक गलत कार्य है कि नहीं गाइस। तो आपको क्या रखना है, 1 2 3 इसमें सीक्वेंस क्या रखना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट पर्सन रखना है, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो देखिए मैं बता देता हूँ, जो इस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे तो इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, ठीक है, सेकेंड पर्सन है यू और थर्ड पर्सन है शी, है कि नहीं गाइस। देखो इसमें फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, सेकेंड पर्सन है यू और थर्ड पर्सन क्या है शी, इजंट इट। तो क्या बनेगा आंसर, आपको आंसर याद होना क्या बनेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में काम गलत हुआ है, तो गलत काम के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड का सीक्वेंस रखते हैं। तो आई यू एंड शी आंसर क्या बनेगा गाइस, आई यू एंड शी हैव कमिटेड अ मिस्टेक। Got it? समझ में आ गया? इस बहुत सिंपल है। तो देखो आपको कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी प्रोनाउन कहीं भी नहीं रखना है। आपको इस रूल को फॉलो करना है। जब आपको पर्सनल प्रोनाउन आएंगे ना, तो आपको याद रखना है गलत कार्य होने पर आपको रखना है 1 2 3 और सही कार्य होने पर 2 3। ठीक है ना? जो इसमें सही कार्य था तो हमने 2 3 1 रखा। इस सेंटेंस में गलत कार्य तो 1 2 3 रखा। इजंट इट? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। Of these four students, सुनना गाइस, neither of these four students will participate. पहले तो मैं आपको हिंदी बता दूं, इन चारों में से कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन चारों छात्रों में से कोई भी छात्र पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, इसका आप फोटो कैप्चर कर लेना। ओके गाइस, इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है, नीदर ऑफ दीज फोर स्टूडेंट्स, मतलब चारों छात्रों में से कोई भी छात्र विल पार्टिसिपेट, भाग नहीं लेगा। तो आपको याद रखना है गाइस, नीदर होता है ना NIDHER, नीदर का मींस कहता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। तो गाइस जो नीदर है ना, नीदर का मीन्स क्या होता है, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है गाइस, नीदर ऑफ दीज फोर स्टूडेंट। अब इसमें स्टूडेंट्स कितने गाइस, फोर स्टूडेंट्स है कि नहीं है, जबकि नीदर किसके बारे में बताया, दो में से एक भी नहीं। नीदर किसके बारे में बताता है, दो में से एक भी नहीं, जबकि क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स हैं, फोर। तो यहाँ पे नीदर का यूज नहीं होना है। नीदर कितने के लिए आता है, टू, टू मतलब दो जनों के लिए। अगर यहाँ पे नीदर ऑफ दीज टू होता तो ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि नीदर हमेशा किसको फॉलो करता है, टू को, जबकि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हो गए, फोर। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ना, नीदर यहाँ पे नीदर नहीं आना। अब नीदर की जगह पे क्या आएगा, आपने आप बोलो सर नीदर नहीं आना, तो नीदर की जगह क्या आएगा, नन ऑफ, क्या आएगा, नन। तो नन का मींस क्या है, कोई भी नहीं। नन का मींस क्या है गाइस, कोई भी नहीं। तो अब नीदर की जगह आपको क्या रखना है यहाँ पे गाइस, नन, क्योंकि तब सेंटेंस क्या बनेगा अपना, ये नन ऑफ दीज फोर स्टूडेंट्स, चारों में से एक भी नहीं, ठीक है ना, मतलब कोई भी नहीं, चारों में से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके गाइस, तो आपको याद रखना है जो नीदर है, नीदर मींस होता है दो में से एक भी नहीं। अब दो से ज्यादा आ जाए, कोई दो से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति आ जाए, तो आपको क्या लगना है, नन, जब नहीं का सेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, पांचवे क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, ठीक है ना, कुछ भी कर रहे हो, आपको क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएंगे, प्रोनाउन के, ठीक है ना। और ये लगातार मतलब इंस्टेंटली पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं गाइस। एनी ऑफ द टू बॉयज कैन स्विम, तो इसमें क्या बोला जा रहा है गाइस, मतलब दो लड़कों में से कोई स्विम कर सकता है, मतलब तैर सकता है, दो में से कोई एक तैर सकता है। तो आपको याद रखना है एनी तो दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, एनी कब यूज करते हैं, एनी का मीन्स क्या होता है, कोई दो से ज्यादा, ठीक है, आपको याद रखना है कोई दो से ज्यादा, तब किसका यूज करते हैं, एनी का, ठीक है ना। अब यहां पे आप देख रहे होंगे एनी ऑफ द टू बॉयज, अब ये टू बॉयज है तो ये क्या दो से ज्यादा तो है नहीं, दो ही है, तो इसलिए एनी कब यूज करते हैं, कोई दो से ज्यादा, तो इसमें क्या आएगा, दो के लिए क्या आता है गाइस, इधर, E-I-T-H-E-R, इधर, इधर में मीन्स दो में से ए, तो देखो अब बिल्कुल सही होगा। तो आपको याद रखना है इसमें क्या बोल रहे गाइस, एनी ऑफ द टू स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स टू हैं, कितने टू हैं, तो टू के लिए हमेशा मैंने आपको क्या बताया था अभी, या तो नीदर का यूज करते हैं, जब वाक्य नकारात्मक होगा तब नीदर लगाते हैं, जब वाक्य पॉजिटिव होगा या सकारात्मक होगा तो क्या लगाते हैं, इधर, क्या लगाते हैं, आप इसको इधर या आइधर बोल सकते हो, ठीक है। जो उच्चारण होता है शब्द का जो मैंने अभी लिखा है, इसको कुछ लोग इधर बोलते हैं, कुछ आइधर बोलते हैं, दोनों सही है, ठीक है ना। अमेरिकन इंग्लिश में इधर बोला जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में आइधर बोला जाता है, ये केवल डिफरेंस है। तो देखो मैंने आपसे क्या बोला, एनी ऑफ द टू बॉयज, अब यहाँ पे बॉयज है दो है ना, तो दो के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस में इधर, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए अपना, इधर ऑफ द टू बॉयज कैन स्विम, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको पता होगा ये इधर नीदर, ये आपको पता है कौन से प्रोनाउन है, इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट, क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, ईदर ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जस्ट समझाया था दो से ज्यादा के लिए किसका यूज करते हैं, इधर का यूज नहीं करते, इधर का यूज करते हैं दो के लिए। अब इसमें कितने स्टूडेंट्स हो गए गाइस, थ्री स्टूडेंट, और इसमें क्या लगाया गया, इधर, इधर तो दो जनों के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए क्या आता है भैया, मैंने अभी लिखा एनी, क्या आता है, एनी आता है कि नहीं गाइस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एनी ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, मतलब तीन में से कोई एक स्टूडेंट जिम्मेदार है, तीन में से कोई एक स्टूडेंट जिम्मेदार है, तो क्या बनेगा गाइस, एनी ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल, ओके। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद रखना है जो भी कोई दो बंदे हो तो इधर का यूज करते हैं, अगर दो बंदे हो कोई कार्य नेगेटिव हो तो नीदर का यूज करते हैं, दो से ज्यादा हो तो एनी का यूज करते हैं, ठीक है ना, दो से ज्यादा नेगेटिव हो तो नन का यूज करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर अपनी 7th की, नन ऑफ द टू लीडर्स, देखिए अब कितने लीडर्स हो गए यहाँ पे, दो, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नन ऑफ द टू लीडर्स कुड कंप्लीट दिस, तो इसका मीन्स क्या आता है, दोनों में से एक भी नेता यह नहीं कर सका, तो आपको याद रखना है यहाँ पे टू दिख रहा है गाइस, टू के लिए अब किसका यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में नीदर का, क्योंकि यहाँ पे नन है ना, तो नन का रिप्लेसमेंट क्या, नीदर होगा, क्योंकि नन तो नन का मीन्स कहता है दो से ज्यादा के लिए जब नहीं आता है, अब दो के लिए क्या आता है, नीदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में जब आंसर लिखोगे तो आपको याद रखना क्या जाएगा इसमें, व्हाट नीदर ऑफ द टू लीडर्स, नीदर ऑफ द टू लीडर्स कुड कंप्लीट दिस, मतलब दोनों नेताओं में से एक भी नेता इसको नहीं कर सका, इट्स अंडरस्टूड गाइस, लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, वन शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री, तो इसका मीन क्या होता है गाइस, हर एक वन का मीन क्या था, हर एक को शुड रिस्पेक्ट, क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने देश का,
ठीक है ना, ये अपनी क्या लाइबिलिटी है, हर व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को अपने देश का सम्मान करना चाहिए। तो गाइस आपको याद रखना है, जब भी आपको वन लिख जाए तो वन को किससे फॉलो करते हैं आपको याद रखना है गाइस, वन का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, जिसे वन आ जाए तो वन जो प्रोनाउन होता है ना उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस। क्या होता है गाइस, वंस। इट मींस मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, जब भी आपको वन एज अ सब्जेक्ट दिख जाए, वन एज अ सब्जेक्ट दिख जाए तो उसका पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, एक्चुअली पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, वंस। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, वन शुड डिस्टेक्ट। अब जो हिज है ना, आपको यहाँ पे हिज नहीं रखना, हिज ये गलत दिया गया है, आपको हिज की जगह क्या रखना है भैया, वंस। क्या रखना है, तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस कंट्री, याद रखना ठीक है ना। हिज कब रखते हैं, ही के संग, जिसे आपने ही लिखा था तो ही शुड रिस्पेक्ट हिज कंट्री तो सही होता है, या शी होता तो शी शुड रिस्पेक्ट हर कंट्री, ठीक ना। वन के संग आपको क्या रखना है गाइस, वंस। इज इट क्लियर, समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसकी क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। Each of the students have to switch off mobile. मतलब हर एक छात्र को क्या करना है, मोबाइल को स्विच करना है, मतलब स्विच ऑफ इस बंद करना है, हर एक छात्र को मोबाइल को बंद करना है। तो आपको याद रखना है गाइस, जो ये ईच होता है, ठीक है ना, ईच, तो ईच क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर। तो अकॉर्डिंग जो आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, ईच का मीन्स होता है हर एक या प्रत्येक, तो ये प्रोनाउन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग जो हेल्पिंग वर्ब दी गई यहाँ पे, ये क्या दी गई है, जो कि गलत है। सिंगुलर के संग हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है गाइस, हैज, ना कि हैव। तो आपको हैव की जगह क्या रखना है, हैज, ठीक है गाइस। तो क्या बनेगा आंसर, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज टू, हैव टू की जगह आपको हैज टू रखना है, बिकॉज यहाँ पे जो ईच है ये मेन प्रोनाउन है, आपको ये नहीं देखना स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो नाउन है, याद रखना स्टूडेंट्स क्या एक डमी नाउन है, ये क्या एक डमी, मेन सब्जेक्ट ये, मेन प्रोनाउन अपना ईच है, तो अकॉर्डिंग टू ईच यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज टू स्विच ऑफ मोबाइल। नेक्स्ट, Every one of them were given his task. तो इसका मीन्स क्या होता है, उनमें से हर एक को उसकी टास्क दी गई, उनमें से हर एक को उसकी टास्क दी गई। तो आपको याद रखना है गाइस, फिर से सेम क्वेश्चन है प्रोनाउन का, एवरी भी क्या होता है अपना सिंगुलर, ईच भी सिंगुलर है, एवरी भी सिंगुलर है। तो आपको पता है यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन है, तो जो हेल्पिंग वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो एवरी इज अ सिंगुलर प्रोनाउन, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर्ब की जगह क्या आएगी, वॉज। क्या यू गाइस, जो वर्ब है ना वो गलत दिया गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वॉज। तो क्या बन जाएगा इसका आंसर, एवरी वन ऑफ देम वॉज गिवन हिज व्हाट टास्क, उनमें से सभी को उनकी टास्क दी गई, ठीक है गाइस। तो ये आज की वीडियो पे कुछ मैंने क्वेश्चन बनाए थे जो किस पे बेस्ड थे, प्रोनाउन, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या एसआई की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कॉमेंट करना कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में कि आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको कितना परसेंट समझ में आया, ओके गाइस। एंड एट द एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली एज वेल एज योर कंट्री, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, जय हिंद।